नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। हाफिज सईद ने दी भारत में आतंकवादी हमले की धमकी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज ने भारत में आतंकवादी हमले की धमकी दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक लाहौर में एक कार्यक्रम में सईद ने कहा कि भारत के साथ कारोबार में दुनिया को यकीन दिलाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका है। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए सईद ने कहा कि दुनिया और एशिया में शांति बनाए रखने के लिए इनको मारना जरूरी है, इसके बगैर अमन नहीं हो सकता। सईद ने कहा कि भारत को दहशतगर्द करार देने के लिए उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी ही काफी है। तीर्थयात्रियों का वाहन गोदावरी में गिरा, 22 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के धौलेश्वर में गोदावरी नदी पर बने पुल से शनिवार तड़के एक वाहन गिर जाने से उसमें सवार 7 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि तीर्थयात्रियों का एक समूह तिरुपति मंदिर में दर्शन करने के लिए SUV में सवार होकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। तीर्थयात्री विशाखापट्टनम के निकट अच्युतापुरम के रहने वाले थे। हादसे में केवल एक लड़का जीवित बचा है। मारे गए लोगों में 7 बच्चे, 8 महिलाएं और चालक समेत 7 पुरुष शामिल हैं। भूखों को योग सिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, कहा आजम खान ने। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूखे भारतीयों का पेट भरने के बजाय उन्हें योग का पाठ पढ़ा रहे हैं। आजम ने कहा कि योग सरकारी कर्मचारियों को सिखाया जाना चाहिए, मगर इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता ने सोशल वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि भूखे हिंदुस्तानियों से कहा जा रहा है कि व्यायाम करो, अरे पहले उनके पेट में तो कुछ हो। अल्बर्ट आइंस्टीन का पत्र $62,500 में नीलाम। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1945 में अपने बेटे को एक पत्र लिखकर सापेक्षता के सिद्धांत और अणु बमों के बीच संबंध के बारे में बताया था। वह पत्र $62,500 में नीलाम हुआ है। ये पत्र जब आइंस्टीन ने लिखा था, उन्हीं दिनों जापान पर अणु बम गिराया गया था। गुरुवार को प्रोफाइल्स इन हिस्ट्री में आइंस्टीन के 27 पत्र नीलामी के लिए रखे गए। कुल $4,20,000 की राशि इस नीलामी से मिली। नीलाम हुए पत्रों में से 2 पत्र वे थे जो आइंस्टीन ने 1940 के दशक में लिखे थे। इन पत्रों में उन्होंने ईश्वर के बारे में अपने विचार लिखे थे। टीम के समर्थन में न्यूड हो गई महिला रिपोर्टर्स। फुटबॉल के प्रति दीवानगी लोगों से क्या क्या नहीं करवाती। कोपा अमेरिकन फुटबॉल टूर्नामेंट में एक बड़ा ही विचित्र वाकया सामने आया, जब वेनेजुएला की महिला रिपोर्टर्स ने अपनी टीम के समर्थन में सारे कपड़े उतार दिए। ये सभी महिला टीवी प्रेजेंटर डेस्नी डांडो ला नोटिसिया न्यूज की है। इसका अर्थ है स्ट्रिपिंग द न्यूज। ये वेबसाइट दावा करती है कि वो अपनी रिपोर्ट के बीच में अपनी फीमेल रिपोर्टर्स को न्यूड कर महिलाओं की आजादी को बढ़ाती है।